नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में आपका। सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये है बिल्कुल नई अपडेटेड बलेरो नियो का N10R वेरिएंट। सबसे ज्यादा सेल अगर किसी वेरिएंट की होती है तो इसी वेरिएंट के दोस्तों 11,47,000 रुपए में ये वेरिएंट एक्सशोरूम प्राइस आपको मिलता है। इसमें क्या क्या चीजें अपडेट हुई है वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे, क्यों अपनी श्रेणी की सबसे बेहतरीन गाड़ियों में से गाड़ी है। दोस्तों ये वीडियो कौन तक देखते रहेंगे तो जानेंगे कौन कौन से फीचर है इसमें जो इसको खास बनाते हैं। सबसे पहले एक तो जो ब्लैक कलर है इसका डिजाइन, बॉक्स डिजाइन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो जबरदस्त रोड प्रेजेंस देता है आपको। अभी आप वीडियो में देख लीजिए कितना जबरदस्त निखर के आ रहा है इसमें ब्लैक कलर और बॉक्स डिजाइन है। अंडर 4 मीटर कहीं से नहीं लगती है दोस्तों, अपनी श्रेणी में सबसे बड़ी गाड़ी दिखाई देगी आपको। तो रोड प्रेजेंस, खराब रस्तों को टैकल करने में सक्षम कोई गाड़ी आप मार्केट में देख रहे हैं ना, तो इस गाड़ी से बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि अपनी सेगमेंट में बहुत कम गाड़ियां ऐसी हैं अंडर 4 मीटर जो बॉडी ऑन फ्रेम है। और सामने जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये बॉडी ऑन फ्रेम चेसिस के साथ आती है, इसका सीधा सीधा फायदा मिलता है इसको किसमें, खराब रस्ते को टैकल करने में। अब देखिए N10 वेरिएंट जो है N10R2 भी प्रीसाइज, ये वेरिएंट आपका ऑप्शन वेरिएंट से जस्ट नीचे बैठता है, तो काफी सारे प्रीमियम फीचर देखने मिलते हैं आपको। वो सबसे पहले चीज देखिए आईब्रो शेप में DRL, एक छोटी पोजिशिंग लाइट, इंडिकेटर के लिए बल्ब, ये सभी कुछ एक ही हाउसिंग में देखने को मिलेगा आपको। नीचे फोग लैंप भी मिलते हैं हैलोजन बल्ब के तौर पे, चीता इंस्पायर्ड ग्रिल मिलती है आपको फ्रंट में क्रोम फिनिशिंग के साथ, बड़ी बेहतरीन और लाजवाब दिखाई देती है। नया लोगो डुअल पीक का इसके लुक में 4 चांद लगा रहा है। अब ये देखिए अपडेटेड, इसमें अब आपको एलॉय व्हील की जगह फ्लेक्स व्हील मिलने लगे हैं दोस्तों। जो पहले सिल्वर फिनिश के साथ एलॉय व्हील मिलते थे ना, ये देखने में बिल्कुल लगेगा जैसे एलॉय व्हील है, लेकिन एक्चुअल में ये एलॉय व्हील नहीं है। देखिए ये फ्लेक्स व्हील है दोस्तों, डुअल टोन फिनिशिंग दी गई है इसकी और बहुत ही जबरदस्त है। 5 स्पोक हैं ये, जो प्रोफाइल टायर की उसके साथ छेड़खानी नहीं की गई है। 215/75 R15 15 इंच के रहने वाले हैं ये। एक प्लास्टिक की यहाँ पे स्ट्रिप जाती है पूरे तरीके से गाड़ी की लेंथ के लॉन्ग, और साथ में जो व्हील आर्चेस वगैरह वहाँ पे दी गई है। इंडिकेटर आपको फ्रंट फेंडर मिलता है, बॉडी कलर में ORVM मिलते हैं, माइक्रो इंटीरियर मिलता है, सनरूफ वगैरह अभी भी नहीं दी गई इस गाड़ी में। साइड स्टेप देख लीजिए कि गाड़ी की हाइट अच्छी है, तो बुजुर्ग वगैरह को खासतौर में चढ़ते टाइम दिक्कत ना हो तो कंपनी इसके बारे में विचार विमर्श किया है काफ़ी ज़्यादा। अगर पीछे लुक की बात करें तो स्पेयर व्हील आपको अभी स्टील रिम में ही मिलेगा दोस्तों, हालांकि इसी प्रोफाइल रेगुलर टायर वाली ही मिलेगी 215/75 R15 के ही। कैमरा अभी भी मिसिंग है N10 की बेजिंग, और दिखा देता हूँ हमें कि N10R ही है दोस्तों ये वाला वेरियंट आपका। पीछे वाले बंदों के लिए भी स्टेप दिया गया है जिसके ऊपर पैर रख के आप अंदर बैठ सकते हैं गाड़ी में। पार्किंग सेंसर वगैरह मिलते हैं आपको, पीछे वाइपर वाशर डिफोकर सब मिलेगा इसमें। इस तरीके साइड ओपनिंग टेलगेट मिलता है, और ये सीटें आप देख रहे हैं जम सीटें मिलती हैं। ये आपका कवर है जो स्पेयर व्हील के ऊपर रखा जाएगा। अगर कवर वगैरह नहीं लगाएंगे सीटों को फोल्ड कर, माफ कीजिए, अगर सीटों को फोल्ड कर देते जम सीटों को, तो ये जो बूट है काफी अच्छा स्पेस निकाल के देता है आपको 384 लीटर का, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन रहेगा दोस्तों 384 लीटर का बूट। और लोडिंग लिफ्ट वगैरह भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा हाईफाई नहीं है, तो कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आने वाली है आपको सामान रखते टाइम। जो टेल लाइट और डिजाइन है वो पहले की तरह सेम टू सेम रखा गया है, और यहाँ पर सब कुछ हैलोजन ही दिया गया है आपको, किसी प्रकार का LED वगैरह इस्तेमाल नहीं किया गया है, एक मिस आउट है जो मेरे हिसाब से कंपनी कर सकती थी। 50 लीटर तक आपको फ्यूल टैंक मिलता है, और 17 की माइलेज क्लेम किया जाता है, तो लंबी दूरी आप मान के चलें गाड़ी आसानी से ट्रैवल एक फ्यूल टैंक में कवर करके देगी आपको। बोतल बैठने के लिए जगह वगैरह, जो इंटीरियर है पूरा तरीके से बेज कलर में दिया गया है आपका, हल्का सा डार्किश बेज हो रही है। ये यहाँ पे सिल्वर फिनिश वगैरह दी गई है, पावर विंडो सभी मिलती हैं। 2680 mm का जो व्हील बेस है ना दोस्तों, उसका सीधा सीधा फायदा मिलता है। इस गाड़ी की बैक सीटें अपनी सेगमेंट में सबसे बेस्ट में से हैं, आप ये आइडिया देख लीजिए। देखिए मैं एक बार दोबारा से ट्राई करता हूँ, इतना तो 6 फुट तक के बंदे को भी अंडर था स्पेस पॉइंट से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है दोस्तों। देखिए मेरी हाइट 5'10" है, और कितने बेहतरीन तरीके से अंडर था स्पेस मिल रहा है मुझे, या स्पोर्ट मिल रहा है, बहुत बेहतरीन सीटें हैं, और विड्थ अच्छी है गाड़ी की, तो 3 बंदे भी आसानी से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बीच में आर्मरेस्ट मिलता है, हालांकि कप होल्डर इसमें नहीं मिलते हैं, 2 एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिलते हैं, और काफ़ी खुला खुला सा फील होता है दोस्तों। पीछे भी एक लाइट दी गई है, ये हैलोजन बल्ब के साथ ही मिलेगी आपको, और यहाँ पर भी देखिए आप कितना दिमाग लगाया गया है। ओहो हो, जैसे एक्यूपंचर वगैरह नहीं करते हैं दोस्तों, एक्यूप्रेशर वगैरह, फिजियोथेरेपी वगैरह, बिल्कुल वैसा ही फील होगा इसके ऊपर हाथ लगाएंगे तो, आपके सभी जो पॉइंट हो प्रेस होते हैं, और आपको स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा गया है महिंद्रा की तरफ से। मैं तो कम से कम ऐसा ही सोच रहा हूँ दोस्तों कि महिंद्रा ने ऐसा किया है। ये स्कूप आउट सीटें मिलती हैं, यहाँ पर मैगजीन रखने के लिए जगह है आपकी, और ये दोनों सीटों के पीछे मिलेगी अच्छी चीज़ है।
पीछे से लुक देख लीजिए किस तरीके से रहने वाला है केबिन का। बड़ा ही शानदार केबिन मिलता है आपको। सामने दोनों बंदों के लिए आपको एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिलते हैं, देखिए किस तरीके से इंडिविजुअली। और बीच का स्पेस ऐसा है, फ्लोर हम वगैरह भी नहीं है तो तीन बंदे आसानी से बैठ सकते हैं इस गाड़ी में। अब लेके चलता हूँ मैं आपको आगे। सबसे पहले चाबी देख लीजिए, इस तरीके से फ्लिप की मिलती है आपको, लॉक अनलॉक, और बीच में ये स्टार बटन। अगर गाड़ी को पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी, लाइटें वगैरह ब्राइट अप हो जाती हैं, ब्लिंक करने लग जाती हैं। दूसरी फ्लिप की नॉर्मल मिलेगी आपको डमी बटन के साथ, तो एक ही रिमोट वाली चाबी मिल रही है। उसके बाद दोस्तों इस चाबी को यहाँ लगा देते हैं, और उसके बाद आप देखिए डोर पे बटन नहीं दिख रहे होंगे आपको, वो भी दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर बोतल वगैरह बैठने के लिए, डस्टिंग के लिए, क्लोथ रखने के लिए काफ़ी जगह मिलती है, ये अच्छी चीज़ है। इसमें पावर बटन के जो कंट्रोल हो ड्राइवर साइड वाली विंडो पर नहीं दिए जाते हैं, वो आगे दिखाऊंगा कहाँ मिलते हैं आपको। ये ड्राइवर सीट ये देखिए हाइट एडजस्टेबल मिलती है, और काफ़ी अच्छी कुशनिंग है दोस्तों सीटों की। अगर हैवी बिल्ड के भी आप तो सीटें वगैरह छोटी महसूस नहीं होंगी, एक प्लस पॉइंट रहता है इस गाड़ी के साथ। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, डीफोकर के लिए, इकोनॉमी मोड में चलाने के लिए, हेडलाइट लेवल करने के लिए, ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए, फोल्ड नहीं होते एडजस्ट कर सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिकली, तो चीज़ें मिलती हैं। बैठते हैं गाड़ी के अंदर। अब नीचे बात करूँ पेडलों की, तो दोस्तों डेड पेडल यहाँ मिसिंग है, हालांकि पेडलों के बीच की स्पेसिंग वगैरह डिसेंट है, तो पैर अगर रेस्ट करना तो इस तरीके से पीछे करके करना पड़ेगा आपको, तो चीज़ रहती है थोड़ी सी। एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरीके से चीज़ें अभी भी इसमें कायम है, वाइब्रेशन वगैरह। अब महिंद्रा ने ना इतने अच्छे जबरदस्त डीजल इंजन बना चुकी है बाकी गाड़ियों में, आपने देखा है नई वाली थार में भी देखा है, एक्सयूवी सैंडोलो में भी, स्कॉर्पियो में भी, तो यहाँ पर भी NVS के ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए। चलो कंपनी का सोचना तरीका है। टायर प्रेशर मोटिंग सिस्टम वगैरह आपको मिलता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे पहले मिलता था वैसे अभी मिल रहा है आपको। ये नीचे टॉगल दिए गए हैं, इससे काफ़ी सारी जानकारी वगैरह आप ले सकते हैं दोस्तों। देखिए तो चीज़ें अभी मेंटेन है। एक हल्का सा पर्पल टाइप का टेंट दिया गया है इसमें, व्हाइटिश पर्पल टाइप का, बिल्कुल लाइट से कलर का, काफ़ी अच्छा और क्रिस्प है ये दोस्तों। हालांकि इन लोगों वगैरह इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। ये ऐसा कुछ स्टेयरिंग मिलता है, ये सिर्फ टिल्ट को सपोर्ट करता है, टेलीस्कोपिक नहीं रहने वाला है। इस पर क्रूज कंट्रोल वगैरह, इधर आपके इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करने वाला, टेलीफोनिक कंट्रोल, वो सभी मिलेंगे। पीपी टाइप की आवाज़ है, तो वो एक जो ट्रम्पट की आवाज़ आती है वो वाले हॉर्न यूज़ नहीं किए गए इसमें। इधर आपके हेडलाइट कंट्रोल है, फॉग लैंप के, और इधर लेफ्ट साइड में आपके वाइपर वाशर कंट्रोल मिलते हैं। अभी सिर्फ एक नंबर में मैंने AC ऑन कर रखा, उसके बावजूद भी फैन की स्पीड अंदर आती है दोस्तों, महसूस होती है। इसके बाद सीधा देखिए बंद ही होता है, ये उसी रहेगी। इस तरीके के आफ्टर मार्केट टाइप की फिटिंग का कैनवुड का म्यूजिक सिस्टम मिलता है आपको, आर वाले वेरिएंट में। सुपर वाले मिलेंगे तो कुछ लगता है कि थोड़ा सा कंपनी ने ज़्यादा बेहतर काम किया है, लेकिन इसका साउंड आउटपुट ज़बरदस्त है, इस बात में कोई दोराई नहीं है। अगर स्पीकर कंपनी के जो दिए गए हैं वो ओके हैं, अगर स्पीकर और बेहतर क्वालिटी अगर इसके साथ अटैच करा लेंगे तो आउटपुट इसका बहुत ज़बरदस्त है। कैनवुड जाना जाता है अच्छे म्यूजिक के लिए दोस्तों। बाई डिफॉल्ट अगर स्क्रीन की बात करेंगे तो इस तरीके का लेआउट मिलता है आपको, देखिए रेडियो, टेलीफोन, ब्लूटूथ, USB, और ये अलग तरीके के पोर्ट वगैरह कनेक्ट होते हैं इसके साथ, जिससे साउंड आउटपुट बड़ा ज़बरदस्त मिलता है। कैमरा वगैरह देखिए इस तरीके से पीछे लगेगा, ये नहीं मिलता है इसमें, अभी सिर्फ सेंसर के भरोसे पार करना पड़ेगा आपको। AC वेंट्स की प्लेसमेंट शानदार है, छोटा स्पेस यहाँ पर भी मिलता है आपको रखने के लिए, और यहाँ पर डुअल ट्रंक का इस्तेमाल किया गया है, ये ब्लैक आपका ऊपर नीचे बेच दिया गया है, तो अच्छा फील कराता है। इकोनॉमी मोड में भी AC को आप चला सकते हैं, जिससे माइलेज और बेहतर मिलेगी आपको। 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलता है यहाँ पर ऑक्स के लिए, और ए टाइप का एक पोर्ट भी मिलता है, जो कि थोड़ा सा और बेहतर तरीके से काम करना चाहिए था सफाई से। 5-speed का गियरबॉक्स है, पियानो ब्लैक का आसपास ट्रीटमेंट दिया गया है, यहाँ पर आप कुछ और चीज़ें रख सकते हैं छोटी मोटी। यहाँ पर सारे पावर विंडो कंट्रोल मिलते हैं आपको, छोटा स्पेस हैंड ब्रेक के नीचे भी है, और साइड में कप होल्डर वगैरह भी आपको दिए गए हैं, तो यूटिलिटी स्पेस की कोई कमी है दोस्तों। और आप बैठते ही बड़े अच्छी तरीके से हैं, पूरी तरीके से बोनट वगैरह विजिबल होता है, प्रॉपर SUV वाली तो फील देखिए इस गाड़ी में आती आती है। रियर व्हील ड्राइव है दोस्तों, तो खराब रास्ते को टैकल करने में पूरे तरीके से सक्षम है, तभी तो इस गाड़ी की एक अलग ही पहचान है मार्केट में। लेकिन इंजन के ऊपर थोड़ा सा और काम कर दे कंपनी, तो फिर सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। इस तरीके से ग्लोव बॉक्स मिलता है आपको, 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की आपको बाय डिफॉल्ट वारंटी मिलती है, तो पीस ऑफ माइंड भी मिल रहा है आपको। और बताइए क्या लेंगे, मैनुअल IRVM, आगे भी एक केबिन लाइट, ब्लूटूथ के लिए माइक मिलता है, को ड्राइवर साइड वाले सनवाइजर पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है, और ड्राइवर साइड वाले सनवाइजर पे आपको टिकट होल्डर मिलता है। तो इस तरीके से हैं सीटें, मैंने तारीफ करी दी है दोस्तों, शानदार है। 2 एयरबैग मिलते हैं आपको, एक यहाँ पर दिया गया है और एक यहाँ पर मेंशन किया गया है। ABS, ABD मिलता है आपको,
तो सेफ्टी वगैरह के लिए और मेटल सीट की क्वालिटी तो आपको पता है महिंद्रा काफी अच्छा प्रोवाइड करता है दोस्तों, तो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल एक जबरदस्त पैकेज आपके लिए बन जाता है ये। तो इस सेगमेंट में देखो गाड़ी आप देख रहे हैं, तो ये एक अपडेटेड वर्जन आपका आया है बोलेरो नियो N10R वेरियंट में, तो आप इसके लिए आगे बढ़ के एक टेस्ट ड्राइव वगैरह लेके देखें, अच्छे लगे तो फिर इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जानकारी रहेगी दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।